तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। समस्त योजनाओं में माह नवंबर 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया है तथा 433 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति कराई जा रही है। वित्तीय समावेशन प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बीसी सखी तथा 17,852 एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5,54,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। अटल पेंशन योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,18,00,000 नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। औद्योगिक विकास विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु जल सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश में निर्यात बढ़ेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता लिस्ट 2023 विद इन ब्रैकेट रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है। चिकित्सा क्षेत्र राज्य सरकार के प्रयासों से मात्र मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में AIS एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम रोगियों की संख्या में 76% तथा मृत्यु दर में 98% की कमी एवं जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस के रोगियों की संख्या में 85% तथा मृत्यु में 96% की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर 3828 हो गई है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गई है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में PG सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गई है। इस प्रकार PG की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध कर राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में माध्यम से प्रदान की जा रही है। मानवर वर्ष 2007 से 2017 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60,970 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 638,26,00,000 की धनराशि स्वीकृत की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के अब तक के कार्यकाल में 2017 से अद्यावधि अर्थात 7 वर्ष से भी कम अवधि में 1,61,962 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु 2,765 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में
चिकित्सा सुविधाएं सुविधाओं का विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्डों का वितरण किया गया है, वह अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मिसाल है। मिसाल के रूप में हमारे समक्ष है, खास तौर से आम आदमी क्या सोचता है मान्यवर, इसको चार लाइनों में व्यक्त किया गया है जो आम आदमी की बात है। मुक्त हूं कर्तव्य की चिंताओं से, दर्द से दुख से मुझे आराम है, और हर किसी के वास्ते हर वस्तु है, ये हमारे ऐश्वर्य का पैगाम है। कानून व्यवस्था, सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भय मुक्त वातावरण देकर राम राज की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। विविध त्योहारों एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, आजादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे बृहत आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया में से आए अतिथियों ने की है। वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65%, फिरौती हेतु अपहरण में 73% की कमी हुई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,634 CCTV कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां तथा 1,41,866 पदोन्नतियां की गई हैं। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर CCTV कैमरों की स्थापना, इंटीग्रेशन डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना, हॉट पॉइंट्स को चिन्हित करने पिंक बूथों की स्थापना तथा बस ऑब्लिक टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 3 महिला PSC बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित है। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य PSC बटालियन स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां गठित की गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है। होमगार्ड स्वयं सेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत होमगार्ड्स का 30,00,000 रुपए का बीमा सुविधा प्रदान की गई है। मान्यवर, अब मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रमुख विभागों की मुख्य मुख्य योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, केयर यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है, जिस पर कुल 150 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा, प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं व 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में BSc नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गई है। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर लेवल द्वितीय को ट्रामा सेंटर लेवल 1 100 बेडेड / Apex ट्रामा सेंटर 200 बेडेड / में उच्चीकृत
किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना लक्षित है तथा 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। राजकीय आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में औषधियों की समुचित व्यवस्था तथा 50 बेडेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय 11 जनपदों में स्थापित है तथा 6 जनपदों में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू की गई है। प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में FDI फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश का आकर्षित करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट स्मार्टफोन बांटे गए हैं। ये प्रक्रिया गतिमान है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में हेतु 2057.76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। मान्यवर, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। अपराध पर लगाम लगी है, अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है। 8 से 7 वर्ष पूर्व कोई यह कल्पना ही नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पाएगा। यहां 2 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। पैदा नजर नजर में एक ऐसा मुकाम कर, दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर। सड़क हेतु, सड़क एवं सेतु, राजमार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2881 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण नवनिर्माण पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे ऊपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350 करोड़ रुपए एवं ग्रामीण सेतुओं हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हमारी सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिससे 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिसका लाभ 46,69,000 कृषकों को प्राप्त हुआ। विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित
569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.10 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं नाबार्ड पोषित के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित व्यवस्था की गई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि अनुरक्षण मद हेतु है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्षा जल संचयन एवं भू जल संवर्धन योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 51% अधिक है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एवं चेक डैम निर्माण हेतु 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 23% अधिक है। नागरिक उड्डयन प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS-1 तथा राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से की जा रही है। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स तथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है तथा म्योरपुर, सोनभद्र व सरसावा, सहारनपुर एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु भूमि क्रय मद में 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18.09 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। वर्ष 2017-18 से 1,21,324 मजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए हैं। पारेषण तंत्र की कुल क्षमता तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी, को वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 28,900 मेगावाट तक किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावाट तक किया जाना लक्षित है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना प्रायोजित है। वर्ष 2016-17 में उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाइयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है। ग्रीष्मकाल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो अब लगभग 2600 मेगावाट है। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं प्रस्तापित की जा चुकी हैं। अयोध्या एवं वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। पीएम कुसुम घटक C1
के अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुना है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। आवास एवं शहरी नियोजन, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल योजना परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किए गए, जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। योजना हेतु लगभग 3948 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2 योजना हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किए जाने हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60% अधिक है। प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जल भराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना है। नगरीय सेवाओं और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 63% अधिक है। काना गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। नियोजन त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत 95 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रुपए एवं बुंदेलखंड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 34,14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक अद्यावधिक 2,03,000 आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए 2520 करोड़ रुपए की GST सहित की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 3668 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 4,867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना हेतु 33 करोड़ की व्यवस्था है। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु
25 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मानवर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का बृहद पैमाने पर निर्माण कर प्रदेश को ODF करने में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। मानवर लोग क्या महसूस करते हैं, आँख का हर अश्रु कल हंसने लगा है, डल गई है आह भी संगीत में, जगमगाता है हृदय का अंधकार, कष्ट परिवर्तित हुए हैं गीत में। कृषि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अभी तो सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाए हुए है। प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति है तो 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449.45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, यथा राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। इन योजनाओं हेतु क्रमशः 200 करोड़ रुपए एवं 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत पात्र इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 3 गुनी है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, मानवर प्रदेश के में औसत गन्ना उत्पादकता 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई। गन्ने के साथ सह फसली खेती का आच्छादन बढ़ने से कृषकों को 25% की अतिरिक्त आमदनी हुई। वर्तमान पिराई सत्र 2023-24 में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती तथा चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। किसान सहकारी चीनी मिल ननौता जनपद सहारनपुर की कार्य क्षमता सुधार, सहकारी चीनी मिल लिमिटेड गजरौला जनपद अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 4900 टीसीडी करने तथा सल्फरलेस रिफाइंड शुगर का उत्पादन करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन क्षमता की आसवनी एवं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। पिपराइच एवं मुंडेरवा में स्थापित 5000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिलों में 27 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र तथा सल्फर लेस शुगर प्लांट की स्थापना भी की गई है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान नरेंद्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन पाठन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में विभिन्न नए कार्य हुए तो 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दुग्ध विकास, दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 106.95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74.21 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21% अधिक है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को प्रोत्साहन स्वीकृत किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता विस्तारीकरण, 1 लाख लीटर प्रतिदिन के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन गो संरक्षण हेतु निराश्रित
बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 303 बृहत गो संरक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं। इन आश्रय स्थलों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14,38,000 गोवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं। पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 195,94,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 68% अधिक है। जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के हेतु 78,55,00,000 रुपए प्रस्तावित हैं, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुना है। मत्स्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किए जाने हेतु कुल 310 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की गई की नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 8,787 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण वितरित किया गया, जिसका लाभ 14.35 लाख कृषकों को प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 257 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ऋण वितरित किया गया। प्रारंभिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भंडारण योजना के अंतर्गत पैक्स के गोदामों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। प्रदेश में 54,684 कृषकों से 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में लगभग 466,35,00,000 रुपए का सीधे भुगतान किया गया। मनवर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन श्रेणी हेतु 2183 रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए श्रेणी हेतु 2203 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। अद्यतन लगभग 7.50 लाख कृषकों से 50.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की गई, जिसके सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में 10,856 करोड़ रुपए का सीधे भुगतान किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मक्का बाजार तथा ज्वार के लिए भी भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। अन्न पूर्ति योजना हेतु 17,661,60,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क खाद्यान्न एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाने हेतु 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो 2023 से संचालित है में अधिकतम 5,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में 10 प्लेस पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग वित्तीय वर्ष 2024-25 में उस वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश में टेक्सटाइल के नए हब बनाकर निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावर लूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। ये पार्क
टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र में 10 से 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा, जिससे लगभग 1,00,000 प्रत्यक्ष और 2,00,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। पार्क की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ब्याज उत्पादन की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग विकास तथा सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 1,575,00,000 की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 11,25,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने का लक्ष्य था। नीति को अधिक युक्त संगत बनाते हुए 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा लगभग 3,00,000 रोजगार सृजित हुए हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के 210 संभावित निवेशकों से लगभग 3867 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 2.15 लाख व्यक्तियों के हेतु रोजगार संभावनाओं युक्त अभिरुचियां प्राप्त हुई हैं। बेसिक शिक्षा छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म स्वेटर स्कूल बैग जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के 2,00,000 से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। बनटांगिया गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30,00,000 छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आईसीटी लैब की व्यवस्था किए जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 516.64 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सैनिक स्कूल गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवीपाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश के में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन
अब स्थापना की प्रक्रिया में है, जिन्हें निकट भविष्य में पीपीपी मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1874 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। AKTU द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिषद में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के अंतर्गत एक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत 15 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हैं। उक्त के साथ साथ 265 स्टार्टअप्स ऑन बोर्ड हो गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था हेतु $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। वर्तमान में माध्यमिक स्तर के 804 राजकीय एवं 729 सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रवीण योजना अंतर्गत 301 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है। युवाओं को दीर्घकालीन व अल्पकालीन रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन तथा असेवित क्षेत्रों में नवीन केंद्रों की निजी संस्थाओं की भागीदारी के साथ स्थापना भी की जा रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी कौशल आधारित पाठ्यक्रम BBA रिटेल, BBA लॉजिस्टिक्स, BBA हेल्थ केयर, BBA टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी के लिए 113 महाविद्यालयों का चयन किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक या वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा माध्यमिक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यावसायिक शिक्षा योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्यालयों को हब एवं एपोक्स मॉडल के रूप में विकसित करते हुए स्थानीय मांग एवं ODOP के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों को जॉब्स रोल सेक्टर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एवं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की योजना है। इसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण करने पर UP बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा में प्रमाण पत्र प्रदत्त किए जाने पर बल दिया जाएगा। विद्यार्थियों को प्राप्त किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण के क्रेडिट उनके क्रेडिट बैंक के में सम्मिलित किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को रोजगार के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षों का निर्माण अंतिम चरण में गतिमान है। प्रदेश के अन्य ऐसे अवशेष 69 संस्थान जहां कम से कम 5000 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है का उन्नयन वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 818.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल, आवासीय क्रीड़ा, छात्रावासों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मानदेय 1.50 लाख रुपए प्रति माह पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध किए जाने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापनाओं के विकास हेतु 195 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 67% अधिक है। प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना हेतु 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ कार्य, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तक के मार्ग के विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण के पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के दृष्टिगत पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत 3 पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण का कार्य एवं 6 स्थानों पर पार्किंग तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है। जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खो मंदिर को जोड़ने वाले त्रिकोण संरेखा में आने वाले परिक्रमा मार्गों एवं जन सुविधाओं के उन्नयन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संस्कृति महाकुंभ 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज गोवा सांस्कृतिक केंद्र संघ बेरपुर की स्थापना हेतु 14.5
6-8 करोड़ रुपए जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.7 करोड़ रुपए तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पर्यटन, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37.90 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37.77 करोड़ एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13,43,000। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन बृहद स्तर पर किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गौमुक्तेश्वर, शुक्र तीर्थ धाम, माँ शाकुंभरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। मानवर भारत की संस्कृति धार्मिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक रूप से अत्यंत समृद्ध रही है। दुनिया के लिए यह एक आश्चर्य का विषय रहा है कि इतनी प्राचीन संस्कृति सदियों तक बाहरी आक्रमणों के बावजूद किस प्रकार अभी भी अविच्छिन्न बनी हुई है। ये उनके लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है, परंतु हमारे लिए ये एक जीवन शैली है। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे सांस्कृतिक धरोहरों की अनदेखी की, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक धारा अधिक प्रवाहमयी हो रही है। बहुत चर्चित है मानवर, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मानवर, वन और पर्यावरण, राज्य सरकार प्रदेश में हरितिमा वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वर्ष 2030 तक अनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में हरितिमा विस्तार हेतु प्रदेश में बृहद स्तर पर 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधारोपण का कार्य कराया गया। वर्षाकाल 2024 में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। सामाजिक मानकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना हेतु 48.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। जनपद लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण वृद्धावस्था पेंशन हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान हेतु 4,073 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 1,862 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम जनपद लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बिजनौर एवं बहराइच, श्रावस्ती तथा महाराजगंज में संचालित हैं। लघुवन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत नॉन टिम्बर लघुवन उपजों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु लघुवन उपजों के विपणन हाट एवं बाजारों के सुदृढ़ीकरण एवं गोदामों के निर्माण को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 2475 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी है अनुदान है योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु लगभग 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांग पेंशन योजना हेतु 1,170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु
42 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत लगभग 49,000 दिव्यांग जनों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। अल्पसंख्यक कल्याण 2022-23 में से मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 204 परियोजनाओं को पूर्ण कराते हुए जनोपयोगी बनाया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण परियोजना इकाइयों में 7 राजकीय पॉलिटेक्निक, 4 ITI, 12 राजकीय इंटर कॉलेज, 25 प्राइमरी स्कूल, 10 अपर प्राइमरी स्कूल, 9 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 2 छात्रावास, 51 आंगनबाड़ी केंद्र, 3 टॉयलेट ब्लॉक, 2 CHC, 2 PHC तथा 1 होम्योपैथिक चिकित्सालय सम्मिलित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय जनपद प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यायालय परिषद के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है। मनवर उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1,89,796 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 2.6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। हार्ट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के 79.37 लाख बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु लगभग 5,129 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान हेतु लगभग 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत माह नवम्बर 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है तथा लगभग 58,46,00,000 रुपए की धनराशि व्यय की गई है। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 2 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपए तथा अंतरजातीय प्रकरणों में 61,000 रुपए की रकम दिए जाने का प्राविधान है। इस योजना के अंतर्गत माह नवम्बर 2023 तक लाभार्थी श्रमिक संख्या 2,38,856 है तथा लगभग 1,302 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्य परक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं जिसकी कुल निर्माण लागत 1,267 करोड़ रुपए है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में कक्षा 6 हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारंभ हो चुका है। राजस्व प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 3,72,039 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,70,748 शिकायतें निस्तारित की गई तथा अभियान के अंतर्गत कुल 66,872 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में शीतलहर के बचाव हेतु निराश्रित व्यक्तियों को कंबल वितरण एवं सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने हेतु जनपदों को 52.79 करोड़ रुपए की धनराशि दिनांक 18 जनवरी 2024 तक जारी की जा चुकी है। जनपदों द्वारा अभी तक कुल 6,66,870 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। राज्य आपदा मोचन बल्कि वर्तमान में 3 कंपनियां स्थायी रूप से हैं तथा 3 कंपनियों के नवसर्जन की कार्रवाई प्रचलित है। परिवहन रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 1.3 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण यात्रा सुलभ
कराए जाने के उद्देश्य से बस बेड़ों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलाएं उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 सेवा के निरंतर संपर्क में रहती हैं। माननीय विभाग बार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकोषीय सेवाएं, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संबंधित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संबंधित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,56,981.89 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,307 करोड़ रुपए 56 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 35,651.93 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,504.73 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान वर्ष 2024-25 माननीय प्रस्तुत बजट का आकार 7,36,437.73 करोड़ रुपए है। बजट में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 7,21,333.82 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 6,06,802.40 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,14,531.42 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4,88,902.84 करोड़ रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,70,086 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,18,816 करोड़ रुपए 84 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय, कुल व्यय 7,36,436.71 करोड़ रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 15,103.89 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 9,603.89 करोड़ रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष, प्रारंभिक शेष 38,189.66 करोड़ रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 28,585.77 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजस्व बचत 74,147.07 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 86,530.51 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% है, अर्थात FRBM की लिमिट से कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हो सका हूँ। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। मैं आपका और मैंने सभी सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मठता, उनकी भविष्य लक्ष्य दूरदृष्टि समाज को संगठित कर खुशहाली के मार्ग पर आगे ले चलने की क्षमता और समाज के हर वर्ग के लिए समदृष्टि के प्रति कदाचित ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है।
दो भाई, अभी पूरा धो जाने दो। डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मानवर में वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट इस माननीय सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। अब हमने उस व्यवस्था को समाप्त किया है। बजट भाषण के खंड 2-1, बजट भाषण 24-25 का खंड 2-2, बजट भाषण का खंड 3, बजट भाषण 24-25 का खंड 4, बजट भाषण का 24-25 का खंड 5 तथा बजट भाषण 24-25 का खंड 6, ये सारे के सारे आपके डिवाइस के ऊपर हैं। तो जिस भी सदस्य को जो भी करना है, विभाग वाइज बजट किसको क्या मत दिया है, वो सारे का सारा डिटेल्ड है। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ तो कि बाद में सदस्य लोग कहते हैं कि हमारे को ये चीज़ मिली नहीं मिली, तो सब चीज़ अब अपडेटेड है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा पूरी तरीके से पेपरलेस है, ये भी आप लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूँ। ये सब इसमें है आपके। आज अभी एक अनुरोध था मान्यवर, ये बजट के बाद पहले भी ऐसा हुआ है, आपकी अनुमति से मान्यवर कुछ समय के लिए छुट्टी दे दें। मान्यवर सभी लोग भोजन भी कर लेंगे और मैं प्रेस से बात भी करना होगा, प्रेस से बात भी कर लेंगे। एक सूचना दे दूं मैं, ये जो प्रेस मीडिया अभी तक राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल में होती थी, अब इसको क्रॉस करके फर्स्ट फ्लोर पे प्रेस की व्यवस्था है मीडिया की, और उसके साथ हम मीडिया के उसको भी अपडेट कर रहे हैं, तो इसीलिए उसकी सूचना जो माननीय सदस्यों को देनी आवश्यक थी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी व्यवस्था करी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसकी सूचना दी है कि सभी माननीय सदस्यों के लिए आज भोजन की व्यवस्था कैफेटेरिया में है। अब